जाओ, कुछ मत खाओ। लेकिन क्यों? भूल गए हमने दावत पर जाना है। मेरे खाने से दावत का क्या लेना देना? जब कहीं दावत पर जाते हैं तो सारे दिन कुछ नहीं खाते। वो क्यों? क्योंकि वहाँ जाकर फिर कुछ खाया नहीं जाता। थोड़ा सा तो खाने दो। ये तो आप कल भी खा लोगे, वो तो मुफ्त का खाना है। ये की ना अपने अच्छी बात। देखा, मैंने कहा था ना कि मुफ्त की रोटी का तो अपना ही मजा है। मेरी बेटी माशाल्लाह कितनी समझदार हो गई है। शुक्रिया मामा। चुप करो, वो छोटा है और उसे मुफ्त खोरी सिखा रही हो। कांटा पे मुझे गलत बातें सिखा रही है। बेटा आपको अगर भूख लगी है तो आप खा लो, दावत का वेट मत करो। लेकिन मामा मुफ्त खाने का मजा बहुत आता है। बेटा अगर आज आप ये सोचोगे तो बड़े होकर मुफ्त खाने की आदत पड़ जाएगी और मुफ्त के चक्कर में हर अच्छा बुरा काम करोगे। कांटा पे आज के बाद मुझे मुफ्त खोरी मत सिखाना। किसी के घर जाना है तो खाली पेट जाना है, ताकि वहाँ जाकर भूख मिटाई जा सके। कोई चीज मुफ्त में मिल रही हो तो मजाल है हम उसे छोड़ दें, चाहे हमें उसकी जरूरत हो या ना हो। हम अपने हाथ से कमाई हुई चीज पर इतना खुश नहीं होते जितनी खुशी हमें मुफ्त में मिली चीज की होती है। गर्ज ये कि मुफ्त खोरी को हम बहुत इंजॉय करते हैं, चाहे किसी का हक हो या पैसा। याद रखें, जब तक हम अपने अंदर से इस तमा को खत्म नहीं करेंगे, मुफ्त खोरी की भूख हम कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। मुफ्त की चीजें किसी जरूरतमंद के लिए छोड़ दिया करें और इस तमा को अपनी नस्लों में ट्रांसफर होने से रोकें।